हाय दोस्तों, तो अभी हम लोग आए हैं कावेरी निसर्गधामा, जो एक पार्क भी है और यहाँ पे बर्ड वॉचिंग भी है, जिप लाइनिंग भी है, बोटिंग भी है, ये सब कुछ यहाँ पे होता है। सकलेशपुर वाले इसमें आप देखिएगा बहुत सारे कल्चरल आर्ट भी है, ऐसे बना के कर्नाटका के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर वगैरह एग्जीबिशन टाइप बना के रखे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं कि कैसे ये जगह काफ़ी कमर्शियल है। अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सिटी है, जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऑलमोस्ट जितना क्राउडेड सिटी रहता है उतना ही क्राउडेड ये रहता है। ये बहुत ही ज़्यादा कमर्शलाइज है, मेरी उस वजह से मुझे इतना अच्छा नहीं लगा ये जगह, लेकिन शायद आपको पसंद आ जाए, तो ये अपने अपने चॉइस पे डिपेंड करता है। एंट्री टिकट एक अलग है, फिर बर्ड वॉचिंग का अलग से है, फिर बर्ड फीडिंग वगैरह, वही बर्ड वॉचिंग का टिकट नहीं हो जाता है, एक स्पेशल पैरेट है उसके लिए सेपरेट चार्जेस लगता है। तो ये सब है यहाँ पे। एग्जैक्टली पीछे ये जिप लाइनिंग भी है, अभी वो एक देख सकते हैं। हाँ, वो रहा जिप लाइनिंग कर रहे हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी छोटा है, एकदम कुछ वाव इफेक्ट नहीं है उसमें। तो ये है बर्ड फीडिंग जो मैं बात कर रहा था पहले, ये आप करवा सकते हो, ये एक मज़ेदार एक्सपीरियंस होने वाला है अगर आप ये कभी ट्राई नहीं किया हो तो। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे नहीं लगता है कि एडल्ट को और कुछ यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। काफ़ी अच्छा फील करता है जब ये खा रहा हो, ऐसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर उसको यहाँ पर ट्राई करिए अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं तो, मिस मत करिएगा। बाकी ये सब आपको जू वाला फीलिंग देगा, सब वही है, कैटेगरी जैसे लोग सेग्रीगेशन करके रखे हैं। वही है बेसिकली, बच्चे के लिए ये अच्छी जगह है, लेकिन हाई स्कूल एंड अबव उनको ये जगह बोरिंग लगेगा, बेस्ट रहे ना, किसी को ये अच्छा नहीं लगेगा।
देखिए अगर आपके पास बच्चे अच्छे हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, वो लोग बहुत एंजॉय करेंगे। यार यार किस कौन पर आ यही पैरेट है जो मैं बात कर रहा था, इसका सेपरेट फीडिंग फीस है। आप टिकट है वगैरह इसका कुछ अमाउंट है, अगर आप उस पर करते हैं तो पैरेट आपके ऊपर बैठ के एक्सपीरियंस है, आप वो कर सकते हैं। आधे दूर है, बाकी ये है डीर पार्क, यहाँ पे फ्रूडीज वगैरह है और फिर ये ट्री हाउस है, ये भी आप देख सकते हैं। ऊपर में थोड़ा बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं, ऊपर से व्यू आपको थोड़ा बहुत दिखेगा अच्छा सा। एंड फिर इसके एग्जैक्टली पीछे है रिवर, एक रिवर फ्लो हो रहा है, आप वहाँ जाके आप रिफ्रेश हो सकते हैं, वहाँ आ सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पे स्नान कर रहे थे तो आप ये सब कर सकते हैं, आप सबसे ट्रैवल वहाँ सबसे क्लोथ वगैरह कैरी करिए आप अगर वहाँ नहाना चाहते हैं। हाँ ये बेसिकली सेफ है, उतना डेंजरस नहीं है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको जाना नहीं चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दैट सब इंडिया। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, आप कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले ट्रिप पे, बाय फ्रेंड्स, बाय।